टाइटैनिक जहाज का हादसा इस शताब्दी का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेजिक शिप डिजास्टर है। 1500 एडल्ट्स और बच्चे जो पानी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके थे, उनके लिए लोग आज भी दुखी हैं। अप्रैल के महीने की वो रात आज भी सारी दुनिया को हिलाकर रख देती है। लंबे समय तक लोग यही सोचते रहे कि आखिर इस एक्सीडेंट की वजह क्या थी। इसके बाद फिर एक दिन पता चला कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर क्रश हो गया था, जिसके कारण वो समुद्र की गहराई में डूब गया। लेकिन इस फैक्ट के सामने आने के बाद भी रिसर्च चलती रही। अब कुछ नए एविडेंसेस मिले हैं जिनसे पता चला है कि आइसबर्ग से टकराना उसके डूबने की असल वजह नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई और ही कारण था, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिए। हमारा दावा है, सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर एक, टाइटैनिक में मौजूद ऐसे लोग जिन्होंने धमाके की पुष्टि की है। सर्वाइवर बताते कि एक्सप्लोजन हुआ था। ये सिर्फ फोटो एविडेंस की बात नहीं है, जर्नलिस्ट ने भी एनालिसिस करके यही बताया कि फायर से डैमेजेस हुए थे। विटनेस के तौर पर एक अमेरिकन पब्लिसिस्ट भी है जो उस समय 25 साल का था। वो भी उस समय जहाज पर था और उसने एक्सप्लोजन की पुष्टि की है। अब सवाल उठता है कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इसका जवाब ये है कि बर्फ के जैसा ठंडा पानी जब जलते हुए कोयले के साथ टकराया तो एक धमाका हुआ। वो ऐसे अकेले नहीं है जो ये सोचते हैं कि धमाका हुआ। टाइटैनिक के लेखक का भी कहना है कि इंजीनियर सोच नहीं पाए कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से पानी एक्सप्लोजिव हाइड्रोजन भी बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने लाइट्स ऑन छोड़ दी थी, और रिसर्च के बाद एक थ्योरी सामने आई जिसे नाम दिया गया स्विच थ्योरी, जो कि जेम्स फेंटन के कन्फेशन पर बेस्ड है, जिन्हें हम पैटी द पिग भी कहते हैं। उन्होंने ये बात मानी कि जहाज में कॉल बंकर्स में लगभग एक हफ्ते तक आग जल रही थी, लेकिन कंपनी और कैप्टन ने इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया। हालांकि यहाँ पर एक बात यह है कि जेम्स फेंटन नाम का उल्लेख पैसेंजर की किसी भी सर्वाइवल लिस्ट में मिलता नहीं है। या तो उसका वहां पर कोई दूसरा नाम रहा होगा, या फिर वो उस जहाज पर नहीं रहा होगा। नंबर दो, मलबे का मिलना। पानी में डूबने के 70 साल बाद टाइटैनिक को खोजा गया कि 12,400 फुट नीचे मिला। जहाज की हालत 70 सालों में खराब हो चुकी थी। 70 साल बाद जब जहाज को ढूंढा गया, तभी रिसर्च टीम को पता चला कि डूबने से पहले जहाज दो पीस में टूट गया था। नहीं तो उसके पहले सारे लोग यही सोचते थे कि जहाज पूरा का पूरा पानी में डूब गया था। नंबर तीन, आग लगने का सही कारण। न्यू रिसर्चर्स के हिसाब से जहाज के डूबने का असली कारण आइसबर्ग नहीं था, बल्कि ठीक इसका उलट था। जी हाँ, जहाज के डूबने का कारण टाइटैनिक के कोल बंकर में आग लगना था। फायर रिसर्च टीम के अनुसार टाइटैनिक के एक कॉल बंकर में आग लग गई। ये आग टाइटैनिक के डिपार्चर के 10 दिन पहले लगी थी। लेकिन असल सवाल उठता है कि इस 10 दिन के पहले की आग से टाइटैनिक के डूबने का क्या लेना देना। असल में हुआ ये कि आग ने जहाज के हल को वल्नरेबल कर दिया। आयरिश जर्नलिस्ट सोनम मेलोनी ने फोटो से सबूत दिया है कि इस सीक्रेट को कई दशकों तक छुपा कर रखा गया। ये तो अचानक ही उनकी फोटोज पर नजर पड़ी, जिसमें जहाज पर 30 फुट लंबी लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिक दिख रही थी, जो कि टाइटैनिक में ठीक वहां पर है जहां पर आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के इंजीनियर का कहना है कि ब्लैक कलर का स्ट्रेस कोयले से फैली हुई आग के कारण बन गया था। आज के समय में जहाजों में दो लेयर होती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बाहर वाली लेयर को कोई नुकसान हो भी जाए तो अंदर वाली लेयर के दम पर जहाज सुरक्षित रहता है। लेकिन टाइटैनिक के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक लेयर होती थी। मेलोनी के अकॉर्डिंग आग लगने के कारण ये लेयर थी जो कमजोर हो चुकी थी, और आइसबर्ग के साथ एक छोटी सी टक्कर भी लेयर को तोड़ सकती थी। नंबर चार, टकराव के तत्काल बाद घटी घटनाएं। क्रूमैन फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के रास्ते में एक आइसबर्ग देखा और उन्होंने खतरे की घंटी 3 बार बजा दी। चेतावनी की घंटी सबको सुनाई दी गई, कैप्टन को भी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी जहाज का राइट साइड आइसबर्ग से टकरा ही गया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस जहाज की टक्कर से कोई होल तो नहीं हुआ, बल्कि जहाज के बाहरी सरफेस की जो मेटल प्लेट लगी थी उनके रिवेट्स निकल गए थे और कुछ प्लेट्स भी उखड़ गई थी। टक्कर से जितना भी नुकसान हुआ था वो बाहरी था, अंदरूनी नहीं। लेकिन जहाज में पानी जाने का रास्ता बन चुका था और पानी अंदर जाना शुरू हो गया। अब डेक का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर था, इसलिए तेजी के साथ पानी अंदर भरने लगा। पानी के भरने से जहाज के अगले हिस्से का वेट पिछले हिस्से से काफी ज्यादा हो गया, जिसके चलते प्रोपेलर्स भी बाहर निकलने लगे। इसके बावजूद टाइटैनिक के एक बड़े हिस्से में ढेर सारी हवा बची हुई थी। जैसे कि हमने वीडियोस में देखा है कि लोग जहाज की ऊंचाई से बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर रहे थे। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता था, जो कि किसी भी इंसान को कुछ ही मिनट्स में कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम से मारने के लिए काफी था।
रिसर्च करने वालों के द्वारा अंदाजा लगाया गया कि जो लोग पानी में लाइफ जैकेट या किसी और इक्विपमेंट से तैर रहे थे वो लोग ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट तक ही जिंदा रह पाए होंगे। लेकिन एक सवाल उठता है, जब ढेर सारी लाइफ बोट थी तो इतने सारे लोगों की डेथ कैसे हो गई? यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि टाइटैनिक पर लगभग 2200 लोग सवार थे, लेकिन जहाज पर सिर्फ इतनी लाइफ बोट थी जो मुश्किल से 1200 लोगों की जान बचा सकती थी। यही कारण था कि वहां पर पैसे और रसूख की बात आ गई थी। अब जो कोई वहां पर ज्यादा कीमत दे सकता था वो लाइफ बोट में बैठ सकता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, टाइटैनिक पर 68 लाइफ बोट्स को अटैच करने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। अब हम आपको इसका कारण भी बता देते हैं। असल में हुआ कुछ ऐसा कि लाइफ बोट को अगर डेक पर लगाया जाता तो ओशियन का व्यू क्लियर नहीं मिल पाता, इसलिए ज्यादा लाइफ बोट्स को जगह नहीं मिल पाई। नंबर 5, लीडिंग अप टू सिंकिंग। अब हम बात करते हैं उस दिन की जब ये भयानक हादसा हुआ था। जहाज पानी में चलना शुरू करता है, जहाज पर दुनिया के नामी गिरामी लोग मौजूद रहते हैं। अपनी हाई लग्जरियस इमेज के साथ टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के लिए 10 अप्रैल 1912 को चल देता है। अपने कुछ स्टॉप जैसे फ्रांस और आयरलैंड पर वो कुछ समय के लिए रुकता है और फिर अटलांटिक ओशियन में अपनी लंबी यात्रा को शुरू कर देता है। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। इन सभी की ट्रैवलिंग शुरू के 3 दिन तक बिना किसी टेंशन के चलती है। शिप के कैप्टन का नाम एडवर्ड जॉन था, जो कि रिस्पेक्टफुली शिप के साथ ही पानी में डूब गए थे। टाइटैनिक के एक्सीडेंट के पहले टाइटैनिक के कंट्रोलिंग चैम्बर में 7 रेडियो मैसेजेस आए थे, जो कि अटलांटिक मेनशाबा शिप वॉरेन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स के द्वारा भेजे गए थे। ये सारे के सारे वार्निंग मैसेजेस थे जो कि आइसबर्ग से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे थे। ये चेतावनी खासकर न्यूफाउंडलैंड के आसपास के एरिया के लिए थी। हालांकि कंट्रोलिंग टीम ने इसके पहले कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं किया था। आधी रात के समय की बात है, बाहर का तापमान -डिग्रीज में पहुंच गया और ओशियन एकदम शांत तो हो गया। मेकिंग ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक अपने समय का एक बड़ा जहाज था और जिस दिन से इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था उसी दिन से इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में कई लोगों की जाने चली गई थी। सारी दुनिया उसके तैयार होने और उसकी पहली यात्रा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शिप उस समय का सबसे बड़ा शिप था, जिसकी लंबाई 882 फीट यानी कि 269 मीटर थी। ये विशाल जहाज मॉन्स्टर ऑफ द शिप्स कहलाता था। नंबर 7, टाइटैनिक का मैकेनिज्म। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जहाज था तो इसके चलाने वालों ने इतने बड़े जहाज को पहले कभी ऑपरेट किया ही नहीं था, इसलिए ये उनके लिए बड़ा चैलेंज था। ऐसी कई चीजें थी जो शिपिंग की दुनिया में पहली बार हो रही थी। इसको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा बिग डिफरेंस कर रहे थे। यही कारण था कि शिप की मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे फॉल्ट्स भी हो गए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। जैसा कि रिसर्च से पता चला, इसके मैन्युफैक्चरिंग के समय से ही सेफ्टी को कभी वैल्यू दी ही नहीं गई। शिप को बिल्ड करने में जो 1500 शिपयार्ड बिल्डर्स काम कर रहे थे वो लोग बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के काम करते थे। काम करते हुए वो लोग बुरी तरह घायल हुए। ऐसे 10 बड़े डेस्क स्ट्रक्चर्स जिन्हें वर्कर्स बना रहे थे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्रिटिकल थे। टाइटैनिक में 3 कॉल इंजन भी थे। 3 में से 2 इंजन स्टीम से चलते थे। ये स्टीम बॉयलर से प्रोड्यूस होती थी। हीटिंग फर्नेस से बॉयलर गर्मी प्राप्त करता था। कुल 159 हीटिंग फर्नेस बनाए गए थे। ओल्ड फैशन बर्निंग कॉल को इन हीटिंग फर्नेस में जलाया जाता था। कॉल को तकरीबन 300 से ज्यादा लोग फर्नेसेस में डालते थे। इतना ढेर सारा कोयला जलता था तो ढेर सारी राख भी निकलती रही होगी। अब आप ये शायद ही समझ गए होंगे कि राख को क्या किया जाता था। राख को ओशियन के पानी में बहा दिया जाता था। अब जहां पर इतने बड़े पैमाने पर हीटिंग फर्नेस यूज हो रहे हो वहां पर एक्सीडेंटल डेंजर हमेशा रहता है। ये जहाज के डूबने का एक बड़ा कारण हो सकता है, बजाय उसके जिसे हम पिछले कई दशकों से मानते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, टाइटैनिक के डूबने का असली कारण क्या रहा होगा? आप अपने व्यूज को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना।